Assalamualaikum, आप देख रहे हैं OPTV Global, मैं हूँ सोबिया अली। सबसे पहले एक नज़र बैन अलाक्वामी मंजरनामे पर होने वाले अहम वाकयात की तरफ। अमरीकी पाबंदियों और दबाव का डट कर मुकाबला करेंगे, ईरान के जौहरी और मिसाइल प्लान पर अमरीका से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई। अफगान सदर का बाकी मादा तालिबान असीरों को फौरी तौर पर रिहा करने से इनकार। हज्जाजे कराम की रमी जमार और कुर्बानी की अदायगी। राफेल को गलती से भी पाकिस्तान मत भेजना पर खच्चे उड़ जाएंगे, गौतम गंभीर को करारा जवाब। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। अफगानिस्तान के सूबा लोगर में धमाके से 17 अफराद हलाक। ट्रंप ने अमेरिका के सदारती इंतखाब मुलतवी करने की तजवीज़ दे दी। अफगानिस्तान खैर सगाली के जज्बे के तहत इजाफी 500 तालिबान कैदियों की रिहाई। सऊदी फरमारवा से एहतियाब होने के बाद हस्पताल से रुखसत। अखबार के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे में मेघन को 1.5 करोड़ रुपए अदा करने पड़ गए। मशरिक वुस्ता समेत दुनिया के मुत्तहिद ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। किस मुल्क के सदर ने फेस मास्क पेट्रोल से धोने का मशवरा दे दिया। फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाली अस्मा को मेहनत का सिला मिल गया। हज के लिए जमा $10,000 से गरीबों की मदद। हाजियों को जुमरात के लिए जरासीम से पाक कैंकरियां फराहम की गई। ब्राज़ील के सदर के बाद खातून अव्वल भी कोरोना वायरस का शिकार। दुबई के वली अहद ने गरीब खानदान के अस्पताल का बिल अदा कर दिया। अमेरिका के साबिक सदारती उम्मीदवार हरमन कैन कोरोना वायरस के सबब चल बसे। मकबूलियत में तनजली का शिकार डोनाल्ड ट्रंप का सदारती इंतखाब मौखर करने का इशारा। चेहरे पर मास्क, हाथों में इलेक्ट्रॉनिक बैंड पहने हजाज का तवाफ काबा। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद देखते रहिए OPTV ग्लोबल। HHCS ensures that your Qurbani reaches the needy and deserving. Let us be your partner in distributing meat to widows, orphans and persons with disabilities. This Eid al-Adha, commemorate the tradition of Prophet Abraham. Apply funds online at www.hhcsonline.org, via Chase Zelle or by check. For more information, call Anjum. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. आखिरी फतह तक कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे शाह महमूद कुरैशी। 5 अगस्त कश्मीरियों की जुदोजहद का नया मोड़ है। इस रोज पूरी कौम यौम इस्तेहसाल मनाएगी। भारत रियासती दहशतगर्दी का स्पॉन्सर्ड मुल्क है। मुईद यूसुफ 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के मौके पर सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी और सायरन बजाए जाएंगे। इमरान खान से कारकर्दगी का पूछो तो कहते हैं NRO नहीं दूंगा, एहसन इकबाल। इस मरतबा गली कूचों में कुर्बानी करने पर पाबंदी है, सूबाई वजीर बलदियात।
कराची से आलाइशें उठाने के लिए वजीर आला हाउस में इजलास हुआ, जिसमें आलाइशें उठाने और ठिकाने लगाने के लिए कमेटियां तश्कील दी गई। चीनी की कीमत को एक बार फिर पर लग गए, 100 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। सोना की फी तोला कीमत में मजीद 750 रुपए का इजाफा। कोरोना वबा में एक कमी, मुल्क में फाल मरीजों की तादाद 25,000 रह गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 903 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 27 अफराद जान बहक। ओग्रा ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। इक्तिसादी सरगर्मियों के फरोग के लिए तामीराती शोबा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। स्टॉक एक्सचेंज एक हफ्ते के दौरान हिस्से की मालियत में 2021 अरब रुपए से जायद का इजाफा। पिटीशन को मुल्की मफाद की कानून साजी के बदले NRO नहीं दे सकते, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। कौमी क्रिकेटर्स की सरफराज की इमामत में नमाज ईद की अदायगी। राहत फतेह अली खान ने ईद पर नया गाना रिलीज कर दिया। और अब आपको लिए चलते हैं दिलचस्प अजीब दुनिया में। 2 घंटे तक फालतू बैठे रहने वाले शख्स की वीडियो वायरल। इंडोनेशिया के मोहम्मद दीदेत वीडियो में खाली आंखों से कैमरा देख रहे हैं और अब तक ये वीडियो 16 लाख अफराद ने देखी है। सेहत की दुनिया में आपको लिए चलते हैं। हर 3 में से एक बच्चे के खून में सीसे की खतरनाक मिकदार का इंकशाफ। यूनिसेफ के मुताबिक 80 करोड़ बच्चों के खून में 5 माइक्रोग्राम फी डेसिलेटर या इससे जायद मिकदार में सीसा देखा गया है। इससे जाहिर होता है कि पूरी दुनिया में सीसे की इतनी ज्यादा आलूदगी से लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। सीसे की आलूदगी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत नुकसानदेह साबित होती है और इसके असरात कम भी नहीं किए जा सकते। आलमी इदारा सेहत और अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जैसे इदारे कह चुके हैं कि बच्चों में सीसे की इस मिकदार पर फौरी रद्द अमल की ज़रूरत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरानी बैटरियों की रिसाइकलिंग और सीसे की भट्टियां इस जहरीली धात को फैलाने में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। और आप आपको लिए चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। हेलीकॉप्टर और खलाई गाड़ी के साथ नया खलाई मिशन मरीख की सम्त गामसन। मरीख पर पहली मर्तबा हेलीकॉप्टर के साथ रोवर भेजा गया, जो जिंदगी के आसार की तलाश में मदद फराहम करेगा। अब आपको लिए चलते हैं शोबिस की दुनिया में। अली जफर की जानिब से साजिंदों की माली मदद, 250 खानदानों में ईदी की तकसीम। मीरा ने मिथुन चक्रवर्ती को अपना पहला प्यार करार दे दिया। अदाकारा मीरा की माली इमदाद के लिए दरख्वास्त मंजूर। अब आपको लिए चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। मुल्क में पहली बार मुसलसल दूसरी ईद पर भी फिल्में रिलीज नहीं होंगी। इस ईद पर अर्तगल गाजी पाकिस्तानियों को खास राज बताने आ रहे हैं। सुशांत सिंह की खुदकुशी मुकदमा होने पर रया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। राहत फतेह अली खान ने ईद पर नया गाना रिलीज कर दिया। गमे आशिकी तेरी राह में, शबे आरज़ू तेरी चाह में। खेलों की दुनिया में PSL बोर्ड और फ्रेंचाइज के ताल्लुकात मजीद कशीदा। जिम्मेदारियां मुकम्मल ना करने पर 3 टीमें बातचीत के अमल से बाहर हो गईं। दानिश कनेरिया ने एक बार फिर PCB पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तानी यंग ब्रिगेड इंग्लिश बैटिंग को निशाना बनाएगी। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वापसी मुतालबात बढ़ने लगे। शुएब अख्तर ने मुमकिन 20 खिलाड़ियों के इंतखाब पर
इतराज उठा दिया। इसके साथ ही अब तक की ओपी टीवी ग्लोबल से खबरों का वक्त यहाँ खत्म हुआ जाता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओपी टीवी ग्लोबल। सोबियाली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की खसूसी खिदमात। अगर आपको कोरोना वायरस में मुब्तला है या कोई अलामत है, आपको मॉर्गेज, क्रेडिट कार्ड, लोन पेमेंट और तजारती मसाइल है, तो आज ही कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स से फौरी राब्ता कायम करें। We are here to assist you. Please stay home, be safe. What do we do with my car payment, credit card payment, any installment payment? Call me, I'll tell you what solutions are there available for you. To help me and assist you with your financial needs. कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी की मदद करें। कम्युनिटी कोरोना वायरस टास्क फोर्स ग्रुप लॉस एंजलिस आपकी खिदमत के लिए मुतहरिक और तैयार। अगर आपको कोरोना वायरस की इलामत है या उसमें मुब्तला है, तो मदद के लिए पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टास्क फोर्स से फौरी इस नंबर पर 310-424-3686 पर रब्ता करें या इस वेबसाइट पर रुजू करें। शुक्रिया। ओपी टीवी की फखरिया पेशकश, दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक्वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।